नमस्ते दोस्तों, बकरी वाले यूट्यूब चैनल में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया जो आपने हमें इतना प्यार दिया है, हमें सब्सक्राइब किया है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो बकरी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ज़रूर। इससे मेरे को मोटिवेट होता हूँ, मैं ज़रा प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक है, बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं सर गोट फार्मिंग स्टार्टिंग कैसा करना चाहिए, उसमें नाबादी लेनी चाहिए या सोजत लेनी चाहिए, या सोजत लूँ या ईद का काम करूँ, या फिर ब्रीडिंग करूँ या ट्रेडिंग करूँ या क्या करूँ या वो करूँ। तो एक एक्चुअल बात ऐसा है कि आपका सबसे पहला एक गोल होना चाहिए। आपको एक लाइफ में जैसे गोल होता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कि मुझे ऐसा बिजनेसमैन बनना है, मुझे इस जैसा बनना है, तो आपको एक गोल चाहिए। आपको पहले एक जो गोट फार्मर है, जो सक्सेस गोट फार्म, उनकी स्टोरी देखना है, उनको जाके मिलना है, वो कैसे काम करते हैं ये देखना है। ये चीज़ें देखने के बाद उनको आपको एक गोल करना है कि यार ये आने वाले 2 सालों में मैं इनके जैसा या इनके कुछ लगभग आसपास जाऊंगा, इनके जैसा बनूंगा। ये आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, डिपेंड आपके पास फंडिंग कितना है, आपकी ज़मीन कैसी है, आपका लोकेशन कौन सा है। लोकेशन नेवर मैटर यार, मैं तो बंगाल को अपना सीट जा रहा है, अभी यूके को जा रहा है। ये आप नहीं बिलीव कर सकते व्हाट इज़ पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक किस्सा बता दो, पावर क्या है। मेरा एक दोस्त है जगन्नाथ बसाटे बोल के, सर मेरे बड़े भाई है वो, तो उनका एक्चुअली उन्होंने शॉपिंग किया लड़की को, कुछ तो भी लड़के लड़की को, तो उनका क्रेडिट कार्ड वो दुकान में भूल गए, तो वो क्रेडिट कार्ड पे नाम था जगन्नाथ बसाटे। तो वो बंदे ने, वो दुकान जो था वो पुणे में, मैं कलवन को रहता हूँ नासिक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बंदे ने उनका नाम फेसबुक पे सर्च किया जगन्नाथ बसाटे, तो अपनी एक सीड्स की पोस्ट उनको टैग हुई हुई थी, और वो सीड्स की पोस्ट में से मेरा नंबर निकाला, मुझे फोन किया कि सर मेरे यहाँ पे, मेरे शॉप पे क्रेडिट कार्ड ऐसा ऐसा रह गया है, आपके दोस्त को बोलिए लेके जाए। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया, सर आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा उधर जाके ले लीजिए बसाटे सर। तो उन्होंने जाके ले लिया, फिर मेरे को फोन आया, अरे तेरे को फोन कैसे आया। तो मैंने बोला कि आपको एक कोई तो पुरानी पोस्ट टैग थी, तो उन्होंने फेसबुक पे आपका नाम डाला क्रेडिट कार्ड पे देख के। तो ऐसा ये बात है। तो आप डजंट मैटर, लोकेशन डजंट मैटर, आपका कस्टमर आप तक रीच करेंगे ही। अगर आप एकदम क्वालिटी अगर माल दे रहे हो, तो सीड्स हो, कुछ भी हो जो फार्मिंग रिलेटेड हो, बकरे हो, गाय हो, भैंस हो, दूध हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, जो कुछ हो, तो आपको वो कस्टमर तक पहुंचना है खाली सोशल मीडिया थ्रू, या कि आपका जो काम है वो बात करता है, काम आपका बात करता है, काम से आपकी अहमियत होती है, आपका पता चलता है। तो शुरुआत को तो नाम होने में थोड़ा देर लगता है, हमारा भी नाम होने में 2-3 साल, अभी तक तो हम और भी नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी और भी 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर करने हैं पूरे 2019 में। तो अभी मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ, तो और सॉरी आपकी माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं था, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे। एक छोटा सा गोट फार्मर हूँ जो टिप्स मुझे को लाइव मेरे आधारित मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे जो प्रॉब्लम्स आते उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको बेच देने की कोशिश करता हूँ। तो सॉरी मैं पिछले दिनों से नहीं था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है अपने पास यार, गोट फार्मिंग बोला कि आप लोगों को खाली उस्मानाबादी गोट्स दिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उस्मानाबादी गोट्स बहुत अच्छी है और ये बुरी है, वो बुरी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा, जेनेटिक्स ऑलवेज मैटर। आपके डीएनए में, आपके फादर और मदर के डीएनए में जो आप उनसे बनते हो, तो उनके डीएनए में अगर हाइट होंगी तो आपकी हाइट आनी ही आनी है, 101% आपको हाइट आनी है। लेकिन आप के फादर के फादर के फादर अगर उनकी हाइट कम होंगी, अगर वो डीएनए वो जीन्स आप में एक्टिवेट हो गए, तो आपके फैमिली की फादर मदर की हाइट रहकर भी आपकी हाइट नहीं रहेंगी, यानी कि उतनी नहीं रहेंगी, कम रहेंगे उनसे, फादर मदर से। शायद हो सकता है आपकी भाई की हाइट हो, आपकी सिस्टर की हाइट हो, आपकी थोड़ी कम हो उनसे। तो ऐसा ज़्यादा तो होता नहीं, तो भी कभी कभी 100 में से 20 बार 10-20% तो हो ही जाता है। तो ये जेनेटिक्स गोट्स में भी काम करता है, जो ब्लड लाइन रहते हैं, अगर गोट्स अगर दूध देने वाली रही तो उसकी, अगर हम फीमेल ले, अगर उसकी माँ अच्छे से दूध देती तो वो भी अच्छे से दूध देंगी। ये डजंट मैटर कि आप उस्मानाबादी ले, आप सोजती ले, आप सिरोही, आपको बस अच्छी क्वालिटी में गोट्स लेना है। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, अच्छी गोट्स कैसे रहती है, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो सब मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और भी मैं कुछ वीडियो बनाऊँ आपको ऐसा लगता है तो मुझे आप नीचे कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक पर वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बनाने की, और हर हफ्ते में एक वीडियो अपना रहेगा ही रहेगा, 101% ही अपनी
गारंटी है। और बाकी शेड पे ज़्यादा खर्चा मत करो, मैं तो प्रीवियसली सब वीडियो में वही बोलता रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो शेड पे आप करते क्या हो, आपके कॉस्टिंग निकलनी, बिजनेस करना है ना कि क्या है, जो एसेट्स हम डाल रहे, एक तो अपने बिजनेस की बुरी बात ये है कि एक साल भर आपको रख के, नहीं तो 6-7 महीने वो बच्चे बड़े करके उसको बक्स बना के, उसको प्रोडक्शन लायक फीमेल बना के, वो पार्ट को बड़ा करके आपको बेचना है। तो आप अपना जो पीरियड है, जो प्रोडक्शन पीरियड है, जो अपन मटेरियल बना रहे, अपना माल बन रहा, गोट्स फीमेल मेल बक्स इतके रो ट्रेडिंग के, तो उनके लिए ज़्यादा दिन लग रहे पहले, और आप शेड के कॉस्टिंग में जा रहे, शेड में ज़्यादा पैसे लगा रहे, उसके बाद आप गोट्स हेवी परचेस करें, ज़्यादा परचेस करें, आपके पास रनिंग एसेट्स ही नहीं रहता फीड खिलाने के लिए, और बाद में तकलीफें होती है, आप लोन निकालते हैं तो लोन का इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारी बातें। तो आपको जितने कम से कम रुपये में, जितने कम से कम पैसों में आपको गोट फार्म शुरू कर सके उतना आप कीजिए, वही कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आगे जाके आप सब हिसाब करोगे, अगर मैंने 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख लगाए अभी तक बराबर, और एक साल में मेरे को मुनाफा हुआ 1.5 लाख रुपए बराबर, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपी, 1.5 लाख वजह 1 लाख हमने पैसे लगाए थे, तो 1.5 लाख में से 1 लाख गए, तो 50,000 50,000 मेरे को प्रॉफिट हुआ। यही बात अगर मैं 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊँ और मेरे को पूरा टोटल अर्निंग हो मेरी साल में 12 महीने में 1.5 लाख, तो अगर 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करूंगे तो 50,000 ये अपना लॉस तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो अमाउंट एक्स्ट्रा अटक गए। वो ज़रूरी है क्या, ये देखिए, जो अमाउंट आप लगा रहे वो सच में ज़रूरी है, क्योंकि किसी तो भी बड़े लोगों ने कहा है कि जो चीज़ें असल में ज़िंदगी में नहीं लगती वो अगर हम खरीदे और खरीदते जाए तो ज़िंदगी में आगे जाके जो ऐसी चीज़ें हैं जी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती तो उनको बेचने का वक्त आ जाता है। तो इसलिए जो चीज़ अहमियती है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही खरीदे, उसको ही फर्स्ट प्रेफर दीजिए बराबर। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं कि 2 लाख लगाया और 1.5 लाख प्रॉफिट आया तो आप बोलोगे यार गौरव सर आगे तो आने वाला है, प्रॉफिट तो आने वाला है, लेकिन शुरुआत छोटी कीजिए। सीखने के लिए 10-20 बकरियाँ बहुत है, पहले सीखिए आप खुद। मेरा मामा है, मेरा भांजा है, मेरे डैडी है, मेरी मॉम है, क्या जो हो कुछ हो, तो उनके किसी के भरोसे पे मत कीजिए प्लीज़। आप खुद करने वाले हो, आपका ऐसा हो वैसा हो ये छोड़ दीजिए, आप खुद करने वाले हो 100%, आपको खुद एक्सपीरियंस लेके आपको प्रॉपर उसमें उतर के आपको ट्रेन होना है। पहले आपको आपका भाई भी ट्रेन करना होगा तो आपको ट्रेन होना होगा। आप फोन पे से अभी बहुत सारे लोगों को, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका, कोई बाहर देश में रह के, कोई मुंबई में रह के गाँव को फार्म चला रहा है। रत्नागिरी में मेरे बहुत सारे कस्टमर है, वो एक्चुअल वो बाहर रह रहे, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी अम्मी, उनके अब्बू वो गोट फार्म चला रहे। तो ये चीज क्या है, उनको पहले गोट फार्मिंग आना चाहिए, उनको दवाई पानी क्या करना है, कैसे बेचना है, वो खाली एडवर्टाइज करते, लेकिन फोन पे मेरे को बात करना आना चाहिए कि यार ये ऐसा हुआ, वीडियो डाल, क्या प्रॉब्लम हो रहा, फोटो डाल, तो मेरे को समझना चाहिए, दूसरे को समझाने के लिए, घर में भाई हो कोई भी हो। तो आप पहले सीखे बराबर। और बात ये है कि ऐसा नहीं कि 2 लाख डाला और 1.5 लाख आया तो लॉस हुआ 50,000। ये देखो अपना बिजनेस जो है रनिंग यानी लॉन्ग टाइम लेता है, लॉन्ग पीरियड बिजनेस है अपना। अगर चाय वाले की बात करें तो चाय वाला दूध लाता है, शक्कर लाता है, चाय पत्ती लाता है और आदमी काम को रहते हैं, और ये उसका क्या होगा रनिंग, वो लाता है, वो बनाता है चाय, वो बेचता है, 5 रुपये 10 रुपये लेता है, बेचता है, लेता है, बेचता है। तो रात को वो हिसाब करता है तो वो माइनस करता है, दूध इतना गया ये, तो उनका रोज टर्निंग होता है, रोज उनका जो कैपिटल है रोज़ डेली रूटीन में उनका जो पैसा है वो घूमता है। तो अपना वैसा नहीं, अपना ये लॉस है कि हम एक साल में 6 महीने में 7 महीने में पैसे घुमाते, तो वो हिसाब करके वो दूध लाता है, शक्कर लाता है, चाय पत्ती लाता है, उसके आदमी को पेमेंट देता है। अगर वो 5,000 उसके आदमी को दिन का पेमेंट दे दे, उनका महीने का पेमेंट कितना हो, उसको 3,000-4,000 लड़के रखते हैं छोटे, उनको क्या चाय देना पड़ता है, ग्लास धोने पड़ते हैं, तो वो हिसाब से वो उसका रोज़ का टर्निंग बिजनेस है, रोज़ उसको पैसे आते जाते। तो अपना 12 महीने में आते हैं, 1.5 साल में आते हैं, 6 महीने में आते, तो इसके लिए अपने को रुकना पड़ता है। तो उस हिसाब से पैसा खर्च कीजिए बराबर। तो उसने जो कर रहा है तो उसके हिसाब से कर रहा है, हम अपने जो पीरियड है रनिंग पीरियड, एसेट्स रनिंग पीरियड है वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो हिसाब देख के आप कीजिए। और जितना ज़्यादा आप पैसा डालोगे उतना आपको प्रॉफिट आने वाला है। अभी कोई लोग बोलते हैं अरे वो 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है, उसको 15 लाख रुपये महीना आ रहा है, XYZ गोट फार्म वाले ने 20 लाख रुपये ईद के पैसे कमाए, ईद के बकरे बेच के। लेकिन मेरे दोस्त 20 लाख रुपये कमाने के लिए वो आदमी ने 3 साल पहले
80 से 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसकी ज़मीन का कॉस्ट छोड़ के, उसका शेड, उसके बक्स, उसके आदमी, उसका मैनेजर, उसके मेडिसिन, ये बात भी रहती, ये बात हम भूल जाते। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना कि 1 लाख उसने लगाया 3 साल पहले, दूसरे साल को 2 लाख लगाया, 5-6 लाख खर्चा किया और जाके वो 20 लाख रुपये कमा लिया ईद को, 3 साल बाद 4 साल उसने उतना पैसा लगाया भी है, बराबर। तो ये बातें रहती है, कॉमन जनरल बातें, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं रहते, हमारे लोग डर जाते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, कुछ झूठी जानकारी मिल जाती है, कुछ लोग पैसे दे के ये बनाते, क्या बोलते, यशो गाथा मिसगाइड करते लोगों को। तो जाके आप देखिए सही में वो चीज़ है, सही में वो बंदा जीनियन है, तो ही उससे खरीदिए, तो ही उसका नाम देखिए जाके मार्केट में। और ऐसा कुछ नहीं वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, वो कैसा माल दे रहा, ये देखिए आप अगर 100 बकरियां ले रहे तो 10 से 15 बकरी आपकी पोल्ट्री आनी है आनी, उससे ज़्यादा आने को ना को, बस ये प्रॉब्लम। आप लेते वक्त भी 10 ले रहे ना, तो उनको बोल दो भाई 2 बकरियों का तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन मेरी 7 से 8 बकरी जो रहेंगी, जो गोट्स रहेंगी, जो बकरे रहेंगे, वो एकदम माशाल्लाह होना, क्वालिटी होना, ये बात आप उनसे बात कर लीजिए, ये डिपेंड, ये आप एक बात होने से अच्छा रहता है, खुल के बात करने से जो सलाह मशवरा लेके और खुल के बात करने से जो व्यवहार होता है वो अच्छा बनता है। तो वो भी बंदा एक्सेप्ट करता है, यार नहीं 2 बकरे इसकी ख़राब है, 2 बक्स खराब है, लेकिन अभी आ गया 3रा भी बक्स, इसको कुछ तो भी तकलीफ हो गई, उसका वेट नहीं बढ़ा, चलो रिप्लेस करा के देता सर, वो भी खुश हो जाता है, वो भी आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप बात करना सीखिए। अभी एक भाई है, वो बोल रहे थे कि मेरा मुर्गियों में काम है, आपका जैसा बकरी वाले ब्रांड है वैसा मुझे ओन मेरा ब्रांड प्रस्थापित करना है, तो आपने TM कहाँ से किया वगैरह वगैरह, क्या किया, इसका क्या फ़ायदा है, आपकी LLP है प्राइवेट लिमिटेड फर्म, LLP मीन्स क्या, प्राइवेट लिमिटेड मीन्स क्या रहता है, तो टर्नओवर कैसे होता है, बिजनेस कौन सा, कितना टैक्स भरते या नहीं भरते, कौन से बैंक में अकाउंट है, पैसे कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें पूछ रहा। तो मैंने बता दिया यार, बेझिझक होकर बता दिया, अगर हम दूसरों को मदद कर सकते हैं तो ज़रूर किया कीजिए। आपके फार्म पर अगर कोई आता है उसे नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी किसी के फार्म पर 5 साल पहले गया था, उसने मुझे नज़रअंदाज किया था और आज भी मेरे को राम राम शाम शाम करता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, चलो मैं उनसे बात करता हूँ, अपन बड़े दिल वाले हैं, हम सबको माफ़ करते हैं, लेकिन मेरे को आज भी हर्ट होता है कभी कभी, वो दिन याद आए कि उसने मुझे हकाल दिया था फार्म पे, सब चलो कोई बात नहीं, लेकिन कैसा है आपको टाइम नहीं फार्म पे तो आप ना बोल दीजिए भाई मेरे को टाइम नहीं, बाद में आओ, बाद में फ़ोन करो, मेरे को तो आप कॉल करते हो तो भी मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता, मैं सीट के सिलसिले में बात करता हूँ। अभी पूजा पवार मैडम और एक दोस्त है, उनको लगाया हूँ मैं कॉल के लिए, अभी कॉल कस्टमर जरा कॉल सेंटर जैसा भी BPO जैसा सिस्टम करना है, और आपकी कुछ ऐड हो बकरो की कुछ भी आप मुझे वीडियो व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो ईमेल कीजिए, मेरे पूजा मैम के नंबर पे आप उनको फ़ोन कीजिए, बोलिए मेरी वीडियो, मेरी बकरों की फ़ोटो वो शेयर कर दीजिए आपके पेज पे, आपको इंशाल्लाह कस्टमर मिलेंगे अच्छे से अच्छे। मेरा वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और आपके वजह से हम कुछ है वो है, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और कोई टॉपिक हो तो नीचे कमेंट में जाके डालना कि गौरव भाई, गिरी सर, गौरव सर, सर बोलिए, भाई बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो मेरे को ऐसा एक ये टॉपिक मेरे को नहीं पता कि ये बात बनाइए आप, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए करने को आपके साथ। मैं कुछ बहुत बड़ा फार्मर तो नहीं हूँ, लेकिन 20-25 बकरे बकरियाँ रखता हूँ, छोटा सा फार्म है, और इंशाल्लाह बड़ा होगा, आपकी दुआ रही, बस दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करना और ऐसा ही प्यार देते रहना, वेरी वेरी थैंक यू। और आपको कोई भी सीड्स लगे फोल्डर्स में, अभी मेथी का सीजन चालू है, दशरथ लगे, मेथी लगे, सुबाबुल लगे, COFS 3 साल की कडोल है, मल्टीकट, उसके बाद जो भी कुछ आपको शेवरी, सुबाबुल, हाथ का कुछ भी लगे, हेडगे लूसन, लूसन अल्फा, अल्फा स्प्राउट लगे, कटर लगे, खस्सी का चिमटा लगे, तो मुझे या पूजा पवार मैम को 9405199494 94054194 या नंबर पर कॉल करा माझा व्हिडिओ बघण्यासाठी। थँक्यू, असंच प्रेम असू द्या, लवकरच मी दुसरा व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासाठी लवकर, चलो बाय।